आज विनय कुमार जी का उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचन हुआ है। विनय कुमार जी को मैं तब से जानता हूँ जब इन्होंने बिशप कॉटन स्कूल से अपनी शिक्षा की स्कूल की पढ़ाई पूरी की और उस समय मैं यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट हुआ करता था। विनय जी यूथ कांग्रेस में आए, धीरे धीरे इनके पिताजी का जब स्वर्गवास हुआ तो इन्हें राजनीतिक दृष्टि से रेणुका को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला और ये तीसरी बार आज उसको रिप्रेजेंट करके यहाँ विधानसभा में आए हैं। 75 साल में पहली बार, चार बार इनके पिताजी रहे, तीन बार ये रहे, पहली बार किसी संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर एज डिप्टी स्पीकर उनको आज मौका मिला और रेणुका क्षेत्र के लोगों को भी 75 साल में पहली बार ऐसा मौका मिला है कि आज आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। काफ़ी सीनियर है, मध्यवासी है, स्पष्टता से अपनी बात करते हैं और राजनीतिक रूप से भी तेज तर्रार है। निश्चित रूप से जो उस तरफ बैठे हुए विधायक हैं उनको ये सही ढंग से समझाने में भी समर्थ होंगे, ये मेरा मानना है। और ख़ासकर साथ बैठे हुए विधायक जी को कि वो बार बार जो उठते हैं वो भी आप इनको थोड़ा सा ये मित्रता का परिचय दे के बोलेंगे कि अभी बोल रहे हैं तो बैठाएंगे, इस दृष्टि से भी मुझे लगता है कि ये इनकी मित्रता काम आएगी। और बड़ा सोच समझ कर हमने निर्णय लिया, ऐसा भी निर्णय लिया बड़ा सोच विचार करने के बाद कि इस पद पर अगर कोई बैठ सकते हैं तो विनय जी हैं। तो विनय जी को जब पार्टी ने चर्चा हुई राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने तो ठीक है, कई बार परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि कोई व्यक्ति मंत्री बनना चाहता है लेकिन मंत्री के ही समकक्ष एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है, उसमें उसकी नियुक्ति कर दी जाती है और समय का इंतज़ार और वक्त का इंतज़ार करते रहना चाहिए। समय और वक्त में जो चीज़ें जयराम जी सोच रहे हैं इनके मुँह में घी शक्कर हो कि इनकी वो इच्छा भी पूर्ति हो। तो मैं ये चाहूँगा कि आने वाले समय में, अभी हमारी सरकार को 1.25 साल हुआ है, निश्चित तौर पर कई ऐसे मौके आते हैं जब आपको सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ना ही होता है। इनके जो शैली है वो हंसमुख शैली है, सबके साथ हंसकर बात करते हैं। इनकी जो वाइफ है वो मैं इनको स्कूल टाइम से जानता हूँ क्योंकि मैं इनका काउंसलर भी रहा हूँ, इनकी वाइफ का जो इनके मेरे क्षेत्र में ही रहते थे छोटा शिमला में, तो यूथ कांग्रेस के समय से इनको जानता हूँ और स्कूल जब ये स्कूल जाते थे, हम तो यूनिवर्सिटी में हुआ करते थे तो तब से इनको मैं जानता हूँ। तो परिवार से एक हमारा अपना पारिवारिक संबंध भी है। तो इस शुभ अवसर पर मैं माननीय विनय जी को एक बार फिर और उनके परिवार को संवैधानिक पद पर बैठने की बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ और इस आशा के साथ कि आप विपक्ष के उस तरफ बैठे हैं तो हमें ज़्यादा विश्वास इसलिए भी है कि पूरा जानते हैं कि कैसे सिस्टम को कंट्रोल करना है जैसे आप करते हैं। और आप तो वैसे भी विपक्ष को ज़्यादा मौका देते हैं, हम भी अपने आप बैठ जाते हैं कि विपक्ष को बोलने का मौका दिया जाए। हम चाहते हैं लोकतंत्र में तभी व्यवस्था मजबूत होती है जब विपक्ष भी अपनी बात को समय अनुसार रखे और तर्क के हिसाब से रखे। तो इसलिए मैं अभी इसी शुभ अवसर पर माननीय विनय जी को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद जय। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।